नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। नशा कैसा भी हो बुरा ही होता है, बर्बादी का दूसरा नाम है नशा। इसलिए जरूरी है कि इंसान नशे से दूर रहे, अगर लत लग ही जाए तो पूरी कोशिश कर इसके चुंगल से आज़ाद हो जाए। बता दें, देश में 2.1% लोग गैरकानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। 44% ड्रग एडिक्ट्स नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% को ही इलाज मिल पाता है। लगभग 1.3 करोड़ लोग देश में गांजा या चरस का सेवन करते हैं। प्रदेश में सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार सर्दी के मौसम के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा करीब 36 गुना तक बढ़ जाता है। आज हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक के क्या कारण है, क्योंकि ये पहले ये देखा जाता था कि ये सब कुछ बुजुर्गों को ज्यादा होता था, लेकिन अब युवाओं में भी ये सब चीजें देखी जा रही है, तो उसका क्या कारण है सर? लेकिन दोनों के जो कारण है वो लगभग समान होते हैं जी। तो जो स्ट्रोक का जो कारण होता है मुख्यतः, वो दो तरह से स्ट्रोक होता है जी। एक तो होता है कि दिमाग में जो खून की नस है वो बंद हो जाए तो स्ट्रोक होता है, जिसे इन्फार्क्ट बोलते हैं। ये दूसरा कारण होता है कि दिमाग की नस फट जाए जी, तो उससे भी पैरालिसिस यानी कि स्ट्रोक होता है जी। वो अलग, दोनों में बहुत फर्क है और दोनों के इलाज भी अलग अलग है जी। तो जो दिमाग में नस बंद होने का जो जो होता है वो लगभग 80% स्ट्रोक को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जी, और 20% में ब्रेन हेमरेज रेस्पॉन्सिबल होता है जी। तो जो इन्फार्क्ट जो होता है जी, यानी कि जो खून का दौरा रुक जाने की वजह से होता है, उसके मुख्य कारण ये हैं। एक तो अगर किसी के परिवार में पहले स्ट्रोक हुआ हुआ है तो उनकी इंसिडेंस स्ट्रोक की होने की रिस्क बढ़ जाती है। ओके। दूसरा होता है कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है या उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंसिव है जी, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हाई रहते हैं जी, तो उनकी स्ट्रोक की इंसिडेंस ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू जो लोग ये सब नहीं करते हैं या जिनको ये बीमारियां नहीं है। दूसरा, इनके अलावा और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन। हाँ सर, क्योंकि आजकल युवा है जो नशे के आदि हो गए हैं अपनी हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए। देश में देखा जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.3 करोड़ के लगभग लोग नशा कर रहे हैं, ले रहे हैं, नशे के आदि हो गए हैं, तो इसमें ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। नशा, जैसे मैंने अभी भी बताया, अल्कोहल जी, तो अल्कोहल एक कारण है जो स्ट्रोक जिसकी वजह से हो जाता है जी। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं जी, कुछ ड्रग्स जिनका नशा करते हैं वो भी स्ट्रोक की इंसिडेंस को, रिस्क को बढ़ाती हैं। पर्टिकुलरली जो कोकेन है, एलएसडी है जी, ये जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की नसें होती हैं, उनकी वॉल को डैमेज करती हैं जी, और उससे स्ट्रोक की इंसिडेंस या रिस्क बढ़ जाती है जी। और इसके अलावा जो और भी जो कारण जो मैं, जैसे खून की में अगर होमोसिस्टिन नाम के एक रसायन की मात्रा ज्यादा है या B12 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, कमी है जी, तो स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। और किसी के हार्ट में खराबी है जी, जैसे वाल्व खराब है जी, या जन्मजात कोई उनको डिफेक्ट आया है हार्ट में, या हार्ट अटैक होने के बाद में उनको उसमें क्लॉट बन जाता है हार्ट में जी, तो उसमें भी स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो ये मुख्यतः कारण है। तो सर, सर्दियों में भी मतलब इसका ज्यादा हावी होता है सर, सर्दियों में ये सब कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसके क्या रीजन है? सर्दी भी एक बड़ा वजह है, एक बड़ी वजह है सर्दी भी? देखिए, सर्दी एक कोई ऐसे नहीं है जिससे हम माने कि भाई सर्दी की वजह से स्ट्रोक बढ़ता है जी। लेकिन सर्दी के दिनों में स्ट्रोक ज्यादा होता है। क्यों होता है? कि जो हमारे ब्लड होता है, जिसमें जैसे कि वाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जी, ऐसे प्लेटलेट्स भी होते हैं जो खून का थक्का जमाते हैं जी जी, क्योंकि तो, सर्दियों में हम एक्सरसाइज कम करते हैं, अपने शरीर को कम काम में लेते हैं जी। तो क्या होता है कि सर्दी के दिनों में प्लेटलेट्स
का जो एग्रीगेशन होता है उसकी रिस्क बढ़ जाती है जी। और इस वजह से जब टेम्परेचर जितना ज्यादा लो जाएगा तो प्लेटलेट जो एग्रीगेट होके या उनका एग्रीगेशन की ये वो ज्यादा हो जाता है, उससे सर्दियों के दिनों में स्ट्रोक ज्यादा होता है जी। तो सर मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी समस्या भी इसका एक बड़ा कारण है आप बता रहे हैं। जैसा भी बताया कि मोटापा है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, ये सब स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। तो सर इसमें क्या कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि जो युवा हैं वो जिम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, काफी सारे जिम करते हैं, काफी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कैसे एक्सरसाइज करनी, कितनी मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड को देख लेंगे तो उसमें भी कम उम्र में जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, तो ये भी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये भी एक बड़ी वजह है। तो इसमें क्या एक्सरसाइज प्रेफर करनी चाहिए, क्या सब कुछ करना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, ये जो जिम में जाना, हेवी एक्सरसाइजेज करना, इनसे आप मसल्स की मजबूती बढ़ा सकते हो, मसल्स का बल्क बढ़ा सकते हो, लेकिन इनसे स्ट्रोक या हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम नहीं कर सकते। तो जो रेगुलर जो हार्ट जिसके लिए जो एक्सरसाइज होती है, रेगुलर एक्सरसाइज, वो लाइट एक्सरसाइज होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती है। ओके सर। या रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करना, कम से कम जो 45 मिनट की वॉक करना डेली जी, उससे स्ट्रोक इंसिडेंस रिस्क कम हो जाती है। तो मॉडरेट एक्सरसाइजेज वो होना चाहिए, हेवी एक्सरसाइजेज नहीं होना चाहिए। और जो बॉलीवुड का आपने एग्जाम्पल दिया उनकी नकल करना, वो डिफरेंट रीजन से अपनी बॉडी जो सिक्स पैक या एट पैक बॉडी बनाते हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह, वो एक्चुअली वो उनके फिल्मों के एंगल से बनाते हैं, उसका हेल्थ से के बारे में कोई भी कोई फायदा नहीं मिलता है उसको। और जो यंग लोगों में जो स्ट्रोक के इंसिडेंस ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक की इंसिडेंस ज्यादा हो रही है जी सर, उसी कारण के यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल इरेटिक होती जा रही है जी सर, बहुत लेट तक जगते रहते हैं, बहुत लेट तक सोते हैं जी सर, मोबाइल में लगे रहना, लैपटॉप में लगे रहना, जंक फूड ज्यादा खाना जी सर, जंक फूड से मेरा मतलब जो फास्ट फूड जो कि आजकल बहुत चलन हो गया है जी सर, बिल्कुल सर, खाने में बुराई नहीं लेकिन वो मॉडरेशन में होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए, रेगुलर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा फैट जैसे बर्गर है, पिज्जा है जी सर, इनमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इनके कंजम्पशन से स्ट्रोक की इंसिडेंस रिस्क ज्यादा होती जा रही है जी सर। इसमें वर्क प्लेस पे जैसे काम का बोझ होता है लोगों को, वो भी इसकी बड़ी वजह है, हाइपरटेंशन की हम जी जी बिल्कुल, जो स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से, वर्किंग आवर्स ज्यादा होने की वजह से भी नेचुरली, क्योंकि ये अभी जो कंपटीशन का जमाना है जी बिल्कुल, और हर इंडिविजुअल अभी स्ट्रेस में जी, परफॉर्मेंस देनी है ज्यादा, उनकी उनके जो सैलरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, तो उसके लिए वो ज्यादा ज्यादा वो ज्यादा काम करते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, नींद की कमी हो जाती है जी सर, और एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, खान पान का ख्याल नहीं रखना, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिनको बोलते हैं, दिन भर चेयर पे बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना, तो नेचुरली वो हार्ट अटैक और इंसिडेंट स्ट्रोक के रिस्क ज्यादा बढ़ेगा सर। उसकी वजह से वो लोग नशे के भी आदी हो जाते हैं, अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए वो नशे का भी सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। हम डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते कि सारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो नशे के आदी हैं, या ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये बात है कि जो स्ट्रेस को मिटाने के लिए काफी युवा भ्रमित हो जाते हैं, वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, इनकी तरफ अपना ज्यादा टाइम बढ़ा देते हैं, इनमें ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो चीजें आपने बताई है, पर ये कहना कि सारे युवा इस पर की वजह से वो भी सही नहीं है जी सर। तो सर क्या मतलब, पहले तो ये सारी चीजें है ना हम बुजुर्गों में देखते थे है ना बहुत टाइम पहले, लेकिन अब तो ये युवाओं में भी हो गई है, तो इससे युवा कैसे बच सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या सावधानी बरतें, क्या अपने व्यायाम में रखें, क्या योगा करें, क्या उनका खान पान होना चाहिए, उस सब के बारे में भी हमें दर्शकों को बताइए। क्योंकि अभी भी अपन ऑलरेडी इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि सभी युवाओं को रेगुलर मॉडरेशन में एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जी, एरोबिक एक्सरसाइजेज करना चाहिए, और उनको रेगुलर वॉक करना चाहिए
जी योगा प्राणायाम मेडिटेशन से भी हेल्प मिलती है। तो जी अगर वक्त निकाल सकते हैं तो रेगुलर योगा करें, जी सर प्राणायाम करें, मेडिटेशन रखें, ताकि ब्रेन को काफी रिलैक्सेशन रहेगा। ब्रेन जी सर रिलैक्स होगा तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक के इंसिडेंस कम हो जाएंगे। जी सर और खान पान में है जो अपना खान पान ज्यादा मिर्च मसाले वाला या ज्यादा चर्बी वाला जो वसा वाला खाना नहीं खाएं, ठीक अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें, या कभी करना भी पड़े तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो जी सर स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना। आजकल स्मोकिंग का चलन काफी बढ़ गया है। तो सर स्मोकिंग जो जो किसी जमाने में कुछ सिगरेट्स के ब्रांड स्टेटस सिंबल होते थे, जी सर ये तो बहुत बड़े बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग। आजकल वो हमें गली नुक्कड़ में मिल जाती है वो सिगरेटें, या उस चीजें भी गुटखा खाना, जर्दा का खाना, ये सब चीजें स्ट्रोक और हार्ट अटैक इसको बढ़ा रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो सर नशीले पदार्थों के सेवन से हम बच सकते हैं, तो इसके लिए हम अच्छा हेल्दी खाना खाएं। आप कह रहे हैं हम योगा करें, हम प्राणायाम करें, हम 45 मिनट वॉक करें। तो दर्शकों देखा आपने, इन्होंने बताया कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। तो आप इसको फॉलो कीजिए, और सर हम आपसे आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।